उसने जो सपना देखा बचपन में, उस सपने को जवानी में भी देखा, जवानी में सपने को बढ़ते देखा, और जैसे वो आगे बढ़ी उसने उस सपने को मरने नहीं दिया। और ये सपना कोई आम सपना नहीं था, उसका सपना था एक क्रिकेटर बनने का, जो कि कोई लड़की अगर देखे तो शायद ही आज कोई बोले कि अरे वाह क्रिकेटर बनना चाहती हो, वेरी गुड। हाँ शायद आज टेनिस खेलना चाहती हो, अरे वेरी गुड सानिया मिर्जा है। बैडमिंटन खेलना चाहती हो, साइना नेहवाल है। लेकिन क्रिकेट में नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों क्रिकेट स्टिल इज अ मेल डोमिनेटेड गेम। बट इज इट रियली सो? सो क्या एक लड़की सपना नहीं देख सकती क्रिकेट खेलने का? जी हाँ जरूर देख सकती है। हमारी धारा ने वो सपना देखा और उसे पूरा होते हुए या उसे पूरा करने की पूरी तमन्ना मन में रखी। तो हमारी ये जो कहानी है वो इस धारा की कहानी है। और अगर आप गौर से देखें तो इसका नाम धारा क्यों है? अगर आप उसको धारा बोले तो धरती होती है, अगर धारा बोले तो बहने वाली नदी होती है। और दोनों ही चीजें कभी रुकती नहीं है जिंदगी में, और रुकना भी नहीं चाहिए। अगर धरती रुक गई तो जिंदगी रुक जाएगी, और अगर पानी रुक गया तो नदी रुक गई तो पानी रुक जाएगा। इट्स नॉट, लाइफ हैज टू गो ऑन, एंड शी इज इन अ वे रेजोनेंसिंग विद दैट थॉट कि जिंदगी है, सपना है, और उस सपने को बड़ा होने दो, और बढ़ते हुए उस सपने को आप अपनी तरफ से मत रोको, भले ही कितनी कठिनाइयां क्यों ना आए। तो ये कहानी उस लड़की की है और उसकी जिंदगी में आने वाले वो किरदार जिन्होंने उसका साथ दिया। कुछ लोगों ने उसको रोकना चाहा और चंद लोगों ने हौसला दिया भी और नहीं भी। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मैं आपको हमारी धारा से मिलवाना चाहूंगा। शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, एक नई खोज है, पहली बार वो हिंदी इतने बड़े शो में काम कर रही है, और शी हैज बीन फैंटास्टिक। तो आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन, ओह बिफोर दैट आई थिंक वी नीड टू सी स्निपेट ऑफ द प्रोमो ऑफ आवर शो। तो आप पहले प्रोमो देखिए, उसके बाद हम धारा से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, प्लीज हैव अ लुक। That's Zara for you. And अभी मेरे ख्याल से मेरा जाने का वक्त हो गया। मैं ये माइक धारा के हाथ में सौंप रहा हूँ, और उसका क्या कैरेक्टर है और उसने वो किस तरह से आगे बढ़ाया है, मैं चाहता हूँ कि वो खुद आप सबसे शेयर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं धारा सोलंकी आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ। आई एम श्योर अभी हम लोगों ने जो मैच खेला, सबके मन में जो गली क्रिकेट, फन क्रिकेट खेलने की तमन्ना थी, सब ने पूरी कर ली। सो आई होप यू ऑल एन्जॉयड। धारा सोलंकी के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही रिलेट कर सकती हूँ खुद को धारा सोलंकी के साथ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है, बहुत ही सिंपल लड़की है, बहुत अच्छे घर से, मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। उसको बहुत अनकन्वेंशनल सपने हैं, उसे कुछ ऐसा करना है जो सब नहीं करते। एंड शी हैज़ अ अनकन्वेंशनल ड्रीम ऑफ बीइंग अ क्रिकेटर, और बचपन से उसके ये सपने रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम सब में ऐसी, आई कैन सी लॉट ऑफ वुमेन सिटिंग हियर हु ऑल आर जर्नलिस्ट, एंड बीइंग अ जर्नलिस्ट इज अकम्पलिशिंग द अनकन्वेंशनल ड्रीम ऑल ऑफ यू हैड। सो दैट इज़ द सेम फीलिंग आई हैव, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ खड़ा होके आपसे मैं बात कर रही हूँ। इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लड़कियाँ ऐसी होती है जो सपने देखने की कोशिश करती हैं, हिम्मत करती हैं, और बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं कि वो अपने सपने पूरे कर सके। मेरे जो सपने हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, और थ्रू तमन्ना वी वॉन्ट टू पुट द थॉट दैट धारा माइट बी क्वेश्चनिंग कि सच में किसी भी लड़की के सपने सीमित हैं? इज देयर एन एक्सपायरी डेट? इज देयर एन लिमिट? आई थिंक नो, स्काई इज द लिमिट फॉर द ड्रीम्स। मेरे लाइफ में, मेरे घर में मेरे पापा हैं जो मेरा सपना पूरा करना चाहते हैं।
लव्स मी अलॉट और वो मुझे हमेशा कहते हैं तू खेलेगी. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई फादर यर मिस्टर दीपक सोलंकी. किरण कर्मलकर सर, अ वेटरन एक्टर एंड अ ब्रिलियंट पर्सन टू बी विद. आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू हिम. थैंक्स वेटरन एक्टर जी. नमस्कार. बहुत मज़ा आया आज. मैच खेला हम लोगों ने साथ में, क्रिकेट खेला, आप सब ने खेला. पता नहीं आपने अभी बचपन में कभी खेला होगा क्रिकेट, कितनी बार खेला होगा, कितना सपोर्ट मिला होगा. मैं दीपक सोलंकी कर रहा हूँ इसमें, धरा के पापा. और जनरली सभी कहते हैं कि हमारा शो बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है. मुझे जेन्युइनली लगता है कि ये बहुत अच्छा शो है. और ये आदमी जो है दीपक सोलंकी, इसने अपने बेटी को क्रिकेटर बनाने के लिए जी जान लगा दी है और उससे भी आगे जाके धरा क्रिकेट खेलती है. अब वो कैसा सफ़र है आप सब लोग देखिएगा. और मैं इतना ही कहूँगा कि अजंगे सर ने भी कहा ये कि औरतों को लेकर हमारे देश में क्या है, लेकिन सचमुच आप में से या मुझे भी कितने लोगों को पता है कि कितनी औरतें क्रिकेट खेलती है, क्या नाम है उनके, कौन कैप्टन है, कौन क्या है, हमें नहीं पता होता. एक ही वक्त T20 का वर्ल्ड कप चलता है हमारा इंडिया के, वहाँ पर विराट कोहली खेलता है और यहाँ पर कोई XYZ एक लड़की खेलती है, हम वो चैनल चेंज कर देते हैं और हम लोग विराट कोहली को देखते हैं. तो ऐसा होना नहीं चाहिए. एंड हम लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि ये विषय आप तक पहुँचाए. सो आप प्लीज़ देखिएगा. थैंक यू. क्रिकेट पापा का मेरा सपना पूरा करने का पागलपन और मेरी प्यारी बाप जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मेरी बहुत ज़्यादा वेलविशर है. और उसका कहना है कि क्रिकेट इज़ नॉट द राइट करियर फॉर यू. और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और वो बहुत ज़्यादा सोचती है, तो आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मैम केतकी मैम या एंड माई लविंग मदर राजलक्ष्मी मैम, प्लीज़ कम. नमस्ते. केम छो? मजा में? नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं गुजराती में कंप्लीट नहीं करूँगी, हिंदी सीरियल है और मैं इसमें दमयंती बा का किरदार प्ले कर रही हूँ. मैं हूँ दमयंती बा. बा मतलब ये लड़की की बा. नहीं अरे एक टाइम आ रहा नहीं, इसमें अलग है, इसमें दरा रा 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 है. इसमें अलग है. देखो मैं पहले के ज़माने की औरत हूँ, तो नेचुरली मेरे लिए लड़की का काम है घर का ध्यान रखना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और फिर मैं उन बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ. लेकिन ये जो मेरी है पोती, वो कहती है कि मैं क्रिकेट खेलूँगी. अब क्रिकेट कोई औरतों के खेलने का काम है? एक तो पैंट शर्ट पहनना पड़ता है उसमें. आजकल की लड़कियाँ पैंट शर्ट पहनेगी? मेरे हिसाब से नहीं. मैं मतलब दमयंती बात तो मना ही करेगी, लेकिन मैं मेरी पोती को बहुत प्यार करती हूँ. बहुत बचपन से मैंने उसको बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया है, तो शायद मैं ये चाहूँगी कि हाँ भाई खेलना है तो खेल, लेकिन शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी. तो ये जो एक बहस चलता है घर में कि शादी करे औरत या क्रिकेट खेले, तो बीच का रास्ता है या नहीं भी है औरतों के लिए, मुझे नहीं पता. क्योंकि मैं मानती हूँ कि नहीं है. शादी मतलब शादी, ये सब करियर और ये सब आप लोग जानो, जेंट्स लोग जानो, आप जाओ पैसे कमाओ और करो, बाकी हम औरतें घर में बैठ के आपका ध्यान रखोगे. ये मेरी सोच है. लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे इसकी ज़िंदगी आगे जाएगी तो मेरी सोच बदलेगी और ये लड़की शायद मेरी सोच बदल भी सकती है. तो ये हो गया दमयंती बा का किरदार और उसकी ये सोच. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ, मैं केतकी दवे, तो मैं ये कहूँगी औरतें बहुत बहुत आगे निकल गई हैं. उन्हें जो करना है वो सब कुछ कर सकती है. और मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में मुझे जो करना था मेरी माँ ने मुझे करने दिया
और वैसे मैं भी मेरी बेटी को हमेशा ये कहती हूँ कि तुझे जो करना है, तेरा जो मन है जिंदगी में वो कर तू, और जिंदगी को एकदम मजे से जियो। तो मैं ये हर एक औरत से कहूँगी, हर एक लड़की को और हर एक माँ बाप को ये कहूँगी कि आपके बच्चों को जो करना है उनको करने दीजिए, आप अपने ही सोच, अपने विचार, अपने ड्रीम्स उन पे मत थोपिए। ये मैं कहूँगी आज केत की तरह। थैंक यू सो मच।